तो भाई बहुत सारे लोगों को शैनिगन जाना है, शैनिगन ट्रैवल करना है, अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कौन सी कंट्री का अप्लाई करें। और अपॉइंटमेंट्स का बहुत लफड़ा चलता है VFS में, वो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है, कोई 2 महीना, 2.5 महीना, 1.5 महीना ऐसे टाइमिंग रहता है। अगर आपकी प्रोफाइल, जो डॉक्यूमेंट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा या फिर जो प्रोफाइल मैं शेयर भी करूँ आपको के साथ, उससे मैच करती है और आपको चाहिए कि भाई जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाए और जल्दी वीज़ा लग जाए, मतलब सारा प्रोसेस 15 से 20 दिन में आपका सारा प्रोसेस हो जाए, सबमिशन के बाद रिजल्ट भी, तो भाई वो कंट्री है शेंगेन कंट्री, ग्रीस। ग्रीस का वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर आपके माइंड में है कि मैं मुझे ग्रीस अप्लाई करना है, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट कब तक मिल जाती है और कितने दिन में रिजल्ट आ जाता है, कब तक वीज़ा मिल जाता है, तो ये सारे चीज़ विद लाइव। अभी रिसेंटली अपना एक वीज़ा आया है ग्रीस का, तो मैं आपको शेयर भी करूँगा, दिखाऊँगा, बताऊँगा सारी चीज़ें, तो वो आपको हेल्प करेगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, मैं रोविंद धीमान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे ग्रीस कंट्री का यानी कि शेंगेन का वीज़ा ले सकते हो, किन डॉक्यूमेंट के साथ, क्या प्रोफाइल होनी चाहिए और कैसे आपको लगता है कि ये वीज़ा मिल जाएगा, ग्रीस का वीज़ा लेने का प्रोसेस क्या है, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कैसे आप लोग इसको ले सकते हो। तो भाई सबसे पहले मैं आपको लोगों को शेयर करूंगा कि ये वीज़ा जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये ग्रीस का वीज़ा है, रिसेंटली लगा है, और इनका मैं लाइव आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करवाऊंगा, होपफुली अगर वो रेडी हुए तो कैसे उनका ये प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट हुआ। तो इनकी भाई ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी, ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे और अपॉइंटमेंट कितने दिन में मिल गई थी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में विद लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि वो कैसे इनको ये वीज़ा मिला और कितने दिन में ये वीज़ा मिला। अगर आपको थोड़ा जल्दी है कि भाई जल्दी कोई ऐसी कंट्री बताओ, बहुत बंदे पूछते भी हैं कि थोड़ी जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाए और हम जल्दी से कोई शेंगेन कंट्री का अप्लाई कर दें, तो वो कंट्री कौन सी है, वो है ग्रीस। तो उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा सारा प्रोसेस कि कैसे ये प्रोसेस है पूरा, कैसे ये आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो, ये चीज़ भाई आप खुद भी कर सकते हो जैसे मैं कि बताता हूँ और वीडियोस में। लेकिन अगर आपको सर्विस चाहिए तो भाई आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, रिप्लाई आपको वहाँ पे मिल जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, सो इट विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट कि कैसे आपको कम टाइम स्पेंड करके एक शेंगेन कंट्री का वीज़ा ले सकते हो। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पर विद लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊँगा और डॉक्यूमेंट्स क्या हैं वो भी ऑफिशियल, विद ऑफिशियल प्रूफ, ऐसे नहीं कि बोल दिया और कुछ भी नहीं, ऑफिशियल प्रूफ मैं आपको कोशिश करता हूँ कि भाई मैं आपको ओरिजिनल सोर्स दिखाऊं जहाँ पे इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट हो और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो, मेरा पर्पस भी ये रहता है, तो वही मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी भाई मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एम्बेसी ऑफ ग्रीस न्यू दिल्ली, ठीक है, काउंसलर सेक्शन। तो इसमें भाई ये देखो शेंगेन वीज़ा है, ये भी एक शेंगेन वीज़ा है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ लाइव, और एप्लीकेशन फॉर्म हो गया भाई, ठीक है, शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाऊंगा आगे वो कैसे होता है, वो आपको भरना है, उस पर साइन करना है एप्लीकेंट को, जो भी एप्लीकेंट है, एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, और 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन उन्होंने ये दे रखी है ICAO, तो नॉर्मल पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पासपोर्ट शुड बी वैलिड नॉट एक्सीडिंग बाय 3 मंथ्स देन एंडिंग डेट ऑफ द वीज़ा लेंथ, तो कम से कम भाई 6 महीने साल पुराना की वैलिडिटी रहनी चाहिए उसकी, एंड ये हैव बीन इशूड विद इन द प्रीवियस 10 ईयर्स। तो ये ऑफिशियल सोर्स से बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन भाई, आपको ऑफिशियल सोर्स से दे रहा हूँ। तो ये पासपोर्ट हो गया, फोटो आपका, एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है, इसमें मेन चीज़ क्या है कि जो 30,000 यूरो उसमें कवर अप होना चाहिए उसमें, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर इससे कम है ना तो भाई वो मत लगाना आप, रिफ्यूज़ल का रीज़न बन सकता है, ये ध्यान रखना आप। इसमें देखो उन्होंने क्या बोला है कि इंश्योरेंस पॉलिसी शुड कवर एनी इवेंचुअल एक्सपेंसिस रिलेटिंग टू द
रिपोर्टेशन फॉर मेडिकल रीजन, अर्जेंट मेडिकल अटेंशन, एमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह, ये सारी चीज़ इसमें होती हैं भाई। ये देखो, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस विल बी एक्सेप्टेड ओनली इफ दे आर इशूड बाय द स्पेसिफिक इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। प्लीज़ रेफर टू द फॉलोइंग। इन्होंने ये देखो दे रखा है ऑल अबाउट, यहाँ पे क्लिक करके तो आप देख भी सकते हो। ठीक है, क्लियर कॉपी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ पासपोर्ट इंक्लूडिंग फोटो कॉपीज ऑफ ऑल वीज़ा एंड स्टैम्प। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है भाई। मान लो कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ठीक है, तो आप उसको भी अटैच करो साथ में, उसको भी आप अटैच करो, क्योंकि वो भाई पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है आपकी सक्सेस रेट के ऊपर। ठीक है, कोई प्रीवियस पासपोर्ट है, ठीक है, तो वो भी आप दो उनको। ठीक है, कई बंदों के होता है कि पासपोर्ट एक्सपायर होता है पुराना, या ट्रैवल हिस्ट्री हो या ना हो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप उसको लगाओ, वो मांगते हैं, मांग भी लेते हैं। कवरिंग लेटर भाई, कवरिंग लेटर बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता ही है, अगर मतलब इससे रिलेटेड सिर्फ कवर लेटर आपको सिर्फ चाहिए तो उसमें भी हम आपके सर्विस प्रोवाइड कर देंगे भाई, तो सिर्फ कवर लेटर के लिए, तो वो भी आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो उसके लिए। तो लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय द वीज़ा एप्लीकेंट्स इन इंडिया। तो इंडिया में जैसे अभी आप साउथ से हैं, दिल्ली से हैं, या फिर चंडीगढ़ से हैं, कहीं से भी हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वो अभी उनके सेंटर्स हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया का मोस्टली VFS में होता है, तो ये VFS में नहीं होता भाई, ये VAC के थ्रू होता है। तो वहाँ पे अलग अलग सेंटर्स हैं, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा आपकी लोकेशन कहाँ है। ठीक है, और ये देखो आप, प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो फ्लाइट रिजर्वेशन है, ठीक है, तो राउंड राउंड टिकट है वो आपको दे देनी पड़ेगी। ठीक है, इफ एप्लीकेंट इज ट्रैवलिंग टू सेवरल शेनिगन स्टेट्स, प्रूफ ऑफ इंट्रा स्टेट फ्लाइट्स रिजर्वेशन, ट्रेन आइटनरी और कार रेंटल्स, ये बहुत ज़रूरी है। देखो, अब आपने इन केस कि आपके आपने फिर आपके एजेंट ने मेंशन कर दिया कि भाई नहीं, इनको तो ग्रीस के साथ ना कोई फ्रांस भी जर्मनी भी ये ट्रैवल करेंगे, तो ये नहीं कि सिर्फ मेंशन कर दिया और आपने उसको छोड़ दिया। उन्होंने क्या बोला है, प्रूफ ऑफ इंट्रा शेनिगन फ्लाइट रिजर्वेशन, फ्लाइट आपको देनी पड़ेगी, ट्रेन की टिकट देनी पड़ेगी, या फिर कार रेंटल ये आपको दिखाने पड़ेंगे अगर आप इंट्रा ट्रैवल कर रहे हैं, इंट्रा से ट्रैवल कर रहे हैं तो। ठीक है, प्रूफ ऑफ लॉजिंग, होटल रिजर्वेशन चलेगी भाई। ठीक है, आपने कोई होम स्टे कर रखा है, एयरबीएनबी कर रखा है, कुछ भी कर रखा है। इफ़ द एप्लीकेंट इंटेंड टू स्टे विद अ फैमिली मेम्बर और फ्रेंड, प्रूफ ऑफ स्पॉन्सर्ड, ये स्पॉन्सर वाले में हो जाता है भाई। स्पॉन्सर अगर कोई कर रहा है तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। नॉर्मल केसेस में होटल रिजर्वेशन पे काम चल जाएगा। अगर आप पेड़ लगाते हो वो आपकी मर्जी है, ठीक है, पेड़ प्रॉपर्टी पे भी चल जाएगी, लेकिन कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इफ एप्लीकेंट इज ट्रैवलिंग टू सेवरल शेंगेन स्टेट्स, प्रूफ ऑफ लॉजिंग इन ईच ऑफ देम, ये आप ध्यान रखना भाई। अगर आप किसी और का डालोगे तो आपको दूसरी का भी डिटेल देनी पड़ेगी। तो जितना फाइल को सिंपल रखोगे उतना बढ़िया, इधर उधर की आप बातें ना करके सिर्फ ग्रीस की बातें करेंगे तो थोड़ा सा सेंसिबल रिजल्ट आता है भाई। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट शोइंग मूवमेंट इन द लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है, एंड डली स्टम्प्ड एंड साइंड बाय द बैंक। तो ओरिजिनल स्टम्प मांगते हैं भाई ये, ठीक है, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको देनी है, इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट फॉर लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है, ये देखना, ये हो गई। ये अब एडिशनल एडिशंस में आ जाते हैं, पे स्लिप ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, सैलरी अगर है आपकी तो सैलरी दो, तो 3 महीने की सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, और ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटमेंट ऑन अप्रूवल फॉर हॉलीडेज, तो NOC, ये आपकी NOC है, ये आपको देनी पड़ेगी। इफ़ द एलिगेंट एप्लीकेंट इज अ कंपनी ओनर और सेल्फ एम्प्लॉयड, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, यानी कि बिजनेस प्रूफ। ठीक है, ये सैलरी वालों के लिए हो गया, और ये हो गया बिजनेस बिजनेस वाले के लिए। ठीक है, इफ़ द एप्लीकेंट इज स्पॉन्सर्ड, अगर आपकी कोई ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहा है, प्रूफ ऑफ स्पॉन्सरशिप, प्राइवेट अकोमोडेशन है बाय कंप्लीटिंग ए नेशनल फॉर्म, अलग से फॉर्म में अलग से मैंशन करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, कंसर्न मेंबर स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन, इफ द एप्लीकेंट इज रिटायर्ड, तो पेंशन सेटलमेंट फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, और प्रूफ ऑफ ये, ठीक है, बिजनेस या जो भी है प्रॉपर्टी, तो रिलेशनशिप प्रूफ, सपोज ट्रैवलिंग टुगेदर, सपोज नेम टू बी एंडोर्स्ड ऑन बोथ द पासपोर्ट्स, अदरवाइज ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, अपोस्टल फ्रॉम MEA,
ये ध्यान रखो भाई, देखो अगर सपोज आप ट्रैवल कर रहे हैं ना, कोई सपोज आप वहाँ पे रहते हैं, वाइफ आपके को ट्रैवल करना है, उसके पासपोर्ट में आपका नाम जरूर होना चाहिए। सपोज नेम शुड बी एंडोर्स्ड इन बोथ द पासपोर्ट, उसके में भी होना चाहिए और आपके में भी होना चाहिए भाई। कई बंदे ये सोचते हैं कि यार नहीं ये ना लगाएं, या फिर उसके आपके पास एक मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास है, मैरिज सर्टिफिकेट भी है, आपके पास पासपोर्ट में भी नाम है, तो भाई और ज़्यादा अच्छे चांसेस रहते हैं आपके वीज़ा लगने के, ठीक है, क्योंकि ये टाइज बहुत अच्छी हो जाती है। इफ़ द एप्लीकेंट इज़ माइनर, माइनर में तो भाई आपको पता है कि पेरेंट्स के, गार्जियन के, उनके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें हैं, माइनर ट्रैवलिंग विद वन पेरेंट, रिटन कंसेंट सर्टिफिकेट बाय पब्लिक नोटरी ऑफ अदर पेरेंट और गार्जियन, मतलब अगर अकेले पेरेंट के साथ जा रहे हैं तो दूसरे से लिखवाना पड़ेगा भाई, ठीक है। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है इस उसमें, तो पेरेंट्स हैविंग सोल कस्टडी और गारंटी ऑफ द माइनर। तो ये आप देखो, इफ़ माइनर ट्रैवल अलोन विदाउट पेरेंट रिटन कंसेंट सर्टिफिकेट बाय द पब्लिक नोटरी ऑफ बोथ पेरेंट्स एंड गार्जियन हैव कस्टडी एंड गार्जियन ऑफ द माइनर, तो अगर अकेला जा रहा है अभी बच्चा, तो दोनों माता पिता से इनको कंसेंट चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कॉपीज ऑफ द पासपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स, दोनों की पासपोर्ट कॉपी, इफ नॉट एप्लीकेबल बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द एप्लीकेंट एंड कॉपीज ऑफ आईडी प्रूफ ऑफ पेरेंट्स, तो पेरेंट्स की आईडी प्रूफ और पासपोर्ट कॉपी, तो ये सारी चीज़ें चाहिए। इफ़ वन पेरेंट इज़ हैविंग वैलिड वीज़ा स्टिल कंसेंट लेटर सर्टिफाइड बाय द पब्लिक नोटरी, तो वीज़ा तब भी उनको, कंसेंट उनको तब भी चाहिए। तो ये है इनका आपका पर्पस। बिजनेस ट्रिप के लिए चीज़ अलग हो जाती है भाई, इनविटेशन होता है वो सबसे मेन चीज़ होती है, कवर लेटर डेफिनेटली सबके लिए मेन है, बोथ लेटर मस्ट कंफर्म एज ए मिनिमम। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, जर्नी स्टडी का अलग हो गया, ठीक है। पर्पज़ ऑफ टूरिज्म में देखो, ट्रैवल अगर आप लेते, सर्टिफिकेट ऑफ द ट्रैवल एजेंसी कंफर्मिंग द बुकिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइज ट्रिप और अदर, मैरिज सर्टिफिकेट इफ मैरिड एंड कैन नॉट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ मैरिटल स्टेटस इन द पासपोर्ट, कॉपी ऑफ द राशन कार्ड इफ एप्लीकेबल, ये चल जाता है, ये एक्सेप्शन है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक है। हमने मेनली टूरिस्ट की बात करी तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं इसमें, तो बाकी ये इनका ऑफिशियल सोर्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म होता है भाई, आपको ये भरे भी भरना होता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आपको पता चल गई, एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा होता है, और अपॉइंटमेंट भाई इसकी आपके मेल पर आ जाती है, ये चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, और ये आपकी अपॉइंटमेंट हो गई, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट आप देख सकते हो, जैसे कि 25 को, अभी आपने ये डिटेल देखी, ये भाई ग्रीस की ऑफिशियल शोर से आपको डिटेल दिया मैंने। तो मान लो कि अगर आपको अब थोड़ा जल्दी है अप्लाई करने का, तो ग्रीस सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई, ठीक है। अब किसकी प्रोफाइल पे, जो भी रिसेंटली जिनका वीज़ा आया था, तो उनकी प्रोफाइल थी भाई कम से कम 3-4 कंट्री वो ट्रैवल्ड थे, और बैंक बैलेंस भी कोई ज़्यादा नहीं था, 3 से 3.5 लाख से के आसपास उनका बैंक बैलेंस था, और एक बिजनेस प्रूफ था, तो नॉर्मल यही डॉक्यूमेंट थे। बिजनेस प्रूफ में MSME या फिर स्टेट वाइज कोई अलग सर्टिफिकेट बनता है, वो भी आप डाल सकते हो। और अपॉइंटमेंट मान लो कि अगर आज जैसे वेडनेसडे है, तो अगले वेडनेसडे की अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी ग्रीस की, तो ये बेनिफिट है आपको भाई। और जो इसकी एम्बेसी फ़ी है, एम्बेसी फ़ी इसकी मिलती है अराउंड 8,500 रुपये, ठीक है, तो वो उसकी एम्बेसी फ़ी है। तो ये था भाई इसका पूरा प्रोसेस अप्लाई करने का। अब इसमें क्या कि आपने ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए जो मैंने आपको बताई वीडियो में, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट भी बुक कर लेनी है, और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट लेके VAC जाना पड़ेगा, नियरेस्ट VAC जो भी आपके एड्रेस के पास होगा, वहाँ पे जाके आपको सबमिशन कर देनी है एज पर द अपॉइंटमेंट डेट। जब वहाँ पे जाके आप सबमिट करोगे, तो विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो ग्रीस से रिजल्ट दे देता है। तो भाई अब आप ये पूछोगे यार कि किसको अप्लाई करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आपका फाइनेंशियल ठीक है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फाइनेंशियल लेकिन आपके अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। तो अगर आपके फाइनेंशियल अच्छे नहीं हैं और ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, तो फिर
आप इसको अवॉइड कर सकते हो। लेकिन आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, फाइनेंशियल उतने अच्छे नहीं है, नॉर्मल है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपकी ना ट्रैवल हिस्ट्री है ना फाइनेंशियल है, तो फिर इसको आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये कॉमन सी चीज़ है भाई, सिंपल सी शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, तो यही था इसका बस। और किसी भी भाई को ये सर्विस चाहिए तो डेफिनेटली हम प्रोवाइड करेंगे। इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, खुद भी कर सकते हो आप, और प्रोसेस इसका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो। बाकी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर भाई, थैंक यू।